विदिशा जिले के पठारी में धार्मिक त्योहारों पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसी के चलते पुलिस महकमा लोगों के बीच जाने के साथ ही बैठकों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी के चलते पठारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन प्रभारी दीपक राठौर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ को एकत्रित न करें, साथ ही शासन की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए होली के त्यौहार को मनाएं और दूसरों को भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जिसमें धार्मिक भावनाएँ भी आहत न हो। सार्वजनिक आयोजन रैली जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार शादी अंत्येष्टि में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। विदिशा पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी, इसमें क्या निर्देश दिए गए? जैसे कि सबको विदित है कि आगामी त्यौहार होली का पर्व आ रहा है, तो इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। जनगणमन शांति समिति की बैठक में उपस्थित थे, तो जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि कोरोना का कहर दोबारा से फैल रहा है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसको क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोई बड़ा जुलूस यात्रा इस तरीके का आयोजन नहीं होना है, और आगामी जैसे रंगपंचमी का त्यौहार है, उसमें भी करीला माता पे बड़ा मेला लगता था, तो इस साल पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन चीज़ों का निर्देश इस शांति समिति बैठक में दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।